ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम सौभाग्य की बात है कि भगवान से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो गया है, जिससे क्षणिक बात करने के लिए हम इंतजार करते थे कब अपॉइंटमेंट मिले, कब समय मिले। वो आया धरा पर, उसने हमें स्वीकार किया और कहा, मैं शिव, तुम सब मेरी पार्वतियां हो। आत्माएं हम शिव की सजनियां बन गई, उसकी पार्वतियां बन गई। उसने हमारा श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। वो हमें संपूर्ण बनाने की संपूर्ण योजना पर आगे बढ़ाने लगे, हमें गाइड करने लगे। तो वो कहते हैं, अपने मन की सारी बातें मुझसे करो, राइट सजेशन ले लो, श्रीमत ले लो, क्या करना है क्या नहीं करना मुझसे रूढ़िहान करके प्राप्त कर लो। तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन इतना क्लियर हो कि हमारी उनसे बातें हो सकें, बातें वही कर सकेंगे जो सारा दिन मनुष्यों से कम बातें करते हैं, जो अंतर्मुखी रहते हैं, जिन्होंने उस परम पिता को अपने परम प्यार में बांध लिया है। बातें वही कर सकेंगे जिनका चित्त शांत रहता है और जिसने उनको सच्चे मन से अपना बनाया है। तो आइए हम अपने परम पिता से, परम प्रियतम से रोज बातें करने की आदत डालें। हर दिन में कई बार उसे बात किया करें, उसे कनेक्शन जोड़ा करें। जैसे इस संसार में जो कोई व्यक्ति हमारा बहुत प्रिय होता है, हम उसे बार बार फोन करके उससे बातें करते हैं, अपने उस परम प्रियतम से भी हम दिन में कई बार बातें करने का अनुभव करें, उसकी बातों को कैच करें, अपनी बात उन्हें सुनाएं और हमें महसूस हो कि हमारी बात उन्होंने सुन ली, कोई समस्या थी, कोई दुख की बात थी वो हर ली, उसका समाधान दे दिया। तो बातें करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो देखिए, हम चले यहाँ से सूक्ष्म लोक और बाबा आएंगे परम धाम से नीचे उसी लोक में। दोनों के मिलन का स्थान सूक्ष्म लोक बना लें। हमारे पास बहुत सुंदर ड्रेस है जो स्वयं बाबा ने दी है, चमकीली ड्रेस, फरिश्ते की ड्रेस, बहुत डिवाइन ड्रेस, बिल्कुल लाइट प्रकाश की काया। उसको पहनकर हम सूक्ष्म लोक में पहुंचे और सामने देखें कि बाप दादा हमारे सामने हैं। दृष्टि लें, रूढ़िहान करें, रोज आदत डालें उसकी बातें करने की, तो ये सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अगर हम रोज बातें नहीं करते, केवल समय आने पर, मुसीबत आने पर उससे कंप्लेंट करते हैं, शिकायतें, कुछ मांगते हैं, तो ये उचित नहीं होता है। बाबा भी सोचते होंगे, देखा जरूरत पड़ी तो मेरे पास आ गए, वैसे कभी मुझसे बात ही नहीं करते। और बाप को कैसा लगता होगा जब हम उनसे मांगते हैं, उसको भी लज्जा आ जाती है कि ये दाता के बच्चे, ये विश्व के मालिक के बच्चे, जो स्वयं भी विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं। हम अपने स्वमान को जागृत करें और इस सूक्ष्म फरिश्ते की ड्रेस को पहनकर रोज बाबा के पास चला करें। कितना सुंदर समय है, कितनी सुंदर अपॉइंटमेंट दी है बाबा ने, रोज सवेरे शाम को, वैसे तो हर समय ड्रेस भी दे दी, अपॉइंटमेंट भी दे दी। तो हम अपने भाग्य के गुणगान करें,
कितने भाग्यवान हैं हम सभी जो भगवान ने मिलने का समय दिया हुआ है, बात करने का समय दिया हुआ है, ड्रेस भी दी हुई है, क्योंकि ये उचित नहीं होता। हम हाईएस्ट अथॉरिटी से मिलने जा रहे हों और हम अपनी ये पुरानी गंदी बॉडी कॉन्शियसनेस की ड्रेस पहन कर जाए, मिलन नहीं होगा। समान स्वरूप, एक ही स्थान, उचित समय मिलन का सुंदर अनुभव कराएगा। तो आज सारा दिन कई बार हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे अपनी ये चमकीली ड्रेस पहनकर, जिसे चारों लाइट वाइट फैलती है, और बाप दादा को सामने देखकर उनकी दृष्टि लेंगे, उनके साथ रास करेंगे, फ्रेंडली रू ध्यान करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।